Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मोनी का जो चैप्टर नंबर 8 है वही पढ़ रहे हैं. इसमें हमने मोनी के बारे में पढ़ा है और हमने ये भी देखा है कि हम किस तरह से कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसा एंड कन्वर्टिंग पैसा एंड रुपीस इनटू कन्वर्टिंग रुपीस इनटू पैसा और हमने पढ़ा है कन्वर्टिंग रुपीस एंड पैसा इनटू पैसा. तो ये दो रूल्स मैं आपको फिर एक बार फिर समझाऊंगा और उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो है कन्वर्टिंग पैसा इनटू रुपीस. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने इससे पहले वाला लेक्चर दिया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 100 पैसे होंगे तो 1 रुपए बन जाता है. तो इसलिए जो भी रुपए हमें वहां से दिया गया, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया था तो हमारे पास 2 रुपीस हैं, तो जब हमें इसका पैसा दिखाना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 पैसे के साथ, तो ये बन जाएगा 200 पैसा. इसी तरह बाकी चीजें. तो उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कन्वर्टिंग रुपीस एंड पैसा इनटू पैसा, वो जहां पे हमारे पास रुपीस भी होंगे और पैसे भी होंगे तो उसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे में. तो उसके लिए हम मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी 15 रुपीस एंड 60 पैसा. तो हमने 15 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और जो 60 पैसा है वो उसको ऐड किया हमने. तो जब हमारे पास 15 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है वो 1500 निकला है और उसको ऐड 60 पैसा किया है तो वो बन गया 1560 पैसा. तो इसके लिए मैंने आपको एक इसका शॉर्ट मेथड भी दिखाया था. तो उसका शॉर्ट मेथड था टू कन्वर्ट एन अमाउंट, जो भी हमें अमाउंट फिगर्स में दिया गया, यानी फिगर में दिया, कहने का मतलब है जब हमें वहां से दिया गया होगा 47.25 इस तरह का हमें दिया गया होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली इस नंबर को सीधा लिखेंगे जो ये दिया गया 4725, बीच में डॉट नहीं डालेंगे, सामने रुपीस का सिंबल नहीं लिखेंगे, लास्ट पे इसका पैसे का सिंबल पी लिखेंगे. तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं. और इसके बाद हमें आज पढ़ना है कन्वर्टिंग पैसा इनटू रुपीस, यानी हम पैसे जो होते हैं, पैसा जो है उसको हम कैसे रुपीस में कन्वर्ट, कन्वर्टिंग पैसा इनटू रुपीस. तो कन्वर्ट करने के लिए पैसा इनटू रुपीस हम एक जनरल रूल को फॉलो करते हैं. एक जनरल रूल हमारे पास है, यानी एक रूल है जिसको हम, एक सैंपल सा रूल है जिसको हम फॉलो करेंगे, उसके जरिए से हम पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीस में. तो मैंने वो रूल लिखा है टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीस, जब भी हमें पैसे को कन्वर्ट करना होगा रुपीस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो डॉट होता है वी पुट अ डॉट आफ्टर टू डिजिट्स, हम दो डिजिट्स के बाद डॉट डालते हैं फ्रॉम द राइट साइड से आते हैं हम, राइट साइड के दो डिजिट्स के बाद हम डॉट डालते हैं और उसके बाद ऑन द एक्सट्रीम जब लेफ्ट के नंबर जो हमारे पास होगा उसके लेफ्ट के साइड में हम रुपीस का सिंबल लगाते हैं. तो उस तरीके से हमारा जो है वो होता है कन्वर्ट होता है पैसा इनटू रुपीस में. तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स आएंगे वो इंडिकेट करते हैं अमाउंट ऑफ रुपीस, एंड दोज जो हमारे राइट साइड में आएंगे वो शो करते हैं, वो दिखाते हैं अमाउंट ऑफ पैसा. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 1275 पैसा है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीस में. तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास वंस ये है 1275, तो राइट साइड ये वाला साइड है दो डिजिट, 1 2 2 डिजिट्स के बाद में यहां पे डॉट लिखूंगा, डॉट डालूंगा, तो दो डिजिट्स राइट साइड से मैं, यानी इस साइड से मैं आया तो मैंने दो डिजिट्स के बाद डॉट यहां पे डाला है और यहां पे सामने इसके रुपीस का सिंबल लगाऊंगा तो ये बन गया रुपीस 12.7, यानी 12 रुपीस एंड 75 पैसा हमारे पास आ गया. इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा 1650 पैसा. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो ये जो 1650 पैसा है मैं 0 और 5 के बाद यहां पे डॉट लगाऊंगा, यहां डॉट लगाऊंगा और इसके एक्सट्रीम लेफ्ट यानी ये नंबर के लेफ्ट में यहां पे ये रुपीस का सिंबल डालूंगा तो ये बन जाएगा 16 रुपीस एंड 15 पैसा. तो इसी तरीके से कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, जब आप एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है 4000
75 पैसा। तो इस 4075 को हम क्या करेंगे, हम इसी 4075 122 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे डॉट डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज़ का सिंबल डालेंगे। तो इस तरीके से हम एक हमारा एक सिंपल सा रूल है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यानी राइट साइड में दो डिजिट्स के बाद हम डॉट डालेंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट पे रुपीज़ का सिंबल डालेंगे। तो इस तरीके से हम पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से आपके जो एक्सरसाइज 8.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो हमें बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इनटू रुपीज एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू रुपीज एंड पैसा। हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, एक अमाउंट दिया गया है, यानी अमाउंट वहां पे किस तरह का दिया गया है। पहला पार्ट है 2325 पैसा, यानी 2325 पैसा। हमें इसको रुपीस भी दिखाना है और पैसा भी दिखाना है। इसके लिए हम इसको सॉल्यूशन, सिंपल सा सॉल्यूशन लिखेंगे, हम यही वापस लिखेंगे 2325 और लेफ्ट साइड से दो डिजिट्स, लेफ्ट साइड में दो डिजिट्स के बाद डॉट, 1 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे और राइट साइड से आएंगे, राइट साइड में 1 2 डिजिट्स को काउंट करके यहाँ पे डॉट लगाएंगे और उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट में हम रुपीज का सिंबल लगा के ये कन्वर्ट हो गया 23 रुपीज एंड 25 पैसा। यहाँ पे हमें पैसा नहीं लिखना है, सीधा यहाँ पे रुपीज। तो हमें सिंपल से समझ में आता है, जो राइट साइड में दो डिजिट्स है ये हमारे पास अमाउंट ऑफ पैसा है और जो लेफ्ट साइड में दो डिजिट्स हैं इट इज द अमाउंट ऑफ रुपीज। इसी तरह इसका बी पार्ट अगर देखेंगे हम, इसका बी पार्ट है 850 पैसा, यानी 850 पैसा। तो इसको किस तरह से करेंगे, हम यही लिखेंगे 850 लिखेंगे हम, 850 पैसा जो हमारे पास है ये मैंने। इसी तरह हम राइट साइड से 1 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सिंबल ऑफ रुपीज लगाएंगे, तो 8 रुपीज 50 पैसा है। तो इसी तरीके से इसका सी पार्ट भी है, सी पार्ट जो है वह 5250 पैसा जो हमारे पास है, हम सीधा हमको इसी तरह हमें लिखना है 5250, राइट साइड से दो डिजिट के बाद हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज इनटू पैसा, हम क्या कहते हैं कन्वर्ट हमने किया है पैसा इनटू रुपीज एंड पैसा। क्यों पैसा भी मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे रुपीज 52 50 पैसा है, रुपीज 52 50 पैसा भी आता है। तो इसी तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया। तो आपने आई होप आपको समझ में आया होगा कि कन्वर्टिंग पैसा इनटू रुपीज एक जनरल सिंपल सा रूल है, एक आसान सा रूल हम मैंने आपको बताया है। और इसके रिलेटेड जो बाकी पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपके लिए होम असाइनमेंट होगा, वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करोगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।